In this topic, we will talk about maximum likelihood estimation of autoregressive process parameters. Suppose we have an AR1 process whose model is given over here. And we have the observed sample time series yt t is equal to 1 to n. मैक्सिमम लाइकलीहुड एस्टिमेशन की जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंगली ये है कि जब आपके पास कोई मॉडल है और उसमें कुछ पैरामीटर्स मौजूद हैं, अब डिफरेंट सिचुएशंस में वो पैरामीटर्स डिफरेंट वैल्यूज ले सकते हैं. तो ML एस्टिमेशन में हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि फॉर एनी स्पेसिफाइड वैल्यू ऑफ पैरामीटर वो मॉडल जो है और वो जो प्रोसेस है वो कुछ सैंपल डेटा जनरेट करेगा. तो हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं कि गिवन दैट वी हैव द ऑब्जर्व्ड सैंपल फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ द पैरामीटर इट इज़ मोस्ट लाइकली टू हैव दो सैंपल इन्फॉर्मेशन. तो एक्चुअली हम ये करना चाह रहे हैं कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक AR1 प्रोसेस है, इसमें म्यू और φ1 दो पैरामीटर मौजूद हैं. अब म्यू जो है वो प्रोसेस का मीन है और φ1 जो है वो ऑटो रिग्रेसिव प्रोसेस का पैरामीटर है. तो हम ये कहेंगे कि अगर हमारे पास ये एक सैंपल डेटा मौजूद है तो कौन सी वैल्यूज़ होंगी हमारे इन पैरामीटर्स की, म्यू और φ1 की, जिसके लिए इस सैंपल के जनरेट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा, इसका लाइकलीहुड सबसे ज़्यादा है. अब ये जो कॉन्सेप्ट है चूँकि प्रोबेबिलिटी के साथ लिंक करता है, तो ML एस्टिमेशन में हमें अपने उस वेरिएबल की कुछ स्पेसिफिक डिस्ट्रीब्यूशन की ज़रूरत होती है. हमें यह स्पेसिफाई करना पड़ता है कि अंडरलाइंग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सी है. आमतौर पे ये अस्यूम किया जाता है कि ZT जो कि हमारी मेन रैंडम टर्म है हमारे मॉडल में, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद पैरामीटर्स मीन इज इक्वल टू जीरो एंड वेरियंस इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर. अब अगर इस नॉलेज को हम अस्यूम करें, जो कि बहुत एक फेयर अजम्पशन है कि एरर टर्म नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है विद मीन जीरो एंड वेरियंस सिग्मा जी स्क्वायर, तो यहां से हम ML एस्टिमेशन की फाउंडेशन बना सकते हैं. अब जो सबसे पहला स्टेप होता है ML एस्टिमेशन के लिए वो हमें ये है कि एक हमें ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए, और ML एस्टिमेशन में हमारा जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो एक जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ द सैंपल ऑब्जर्वेशंस. इसको हम लाइकलीहुड फंक्शन को हम L से शो करेंगे. F इज़ द डेंसिटी ऑफ Y1 Y2 अप टू Yn. तो ये जो एक सैंपल ऑब्जर्वेशंस मौजूद हैं इनकी एक जॉइंट डेंसिटी जो हम बनाएंगे, इसको हम कहते हैं कि ये लाइकलीहुड फंक्शन है. तो इस कॉन्सेप्ट को अगर हम यहाँ तक समराइज करें तो एक्चुअली हमारे पास एक मॉडल मौजूद है, उसके पैरामीटर्स अननोन हैं, लेकिन उस मॉडल ने जो सैंपल डेटा जनरेट किया है वो सैंपल ऑब्जर्वेशंस का नॉलेज हमारे पास है. अब हम ये करते हैं कि वो जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास मौजूद हैं उनकी अगर हम एक जॉइंट डेंसिटी बना लें और उसके बाद हम ये देखें कि कौन से पैरामीटर्स के साथ इसका लाइकलीहुड सबसे ज़्यादा है, तो वो हमारे पास उन पैरामीटर्स के ML एस्टिमेट्स बन जाएंगे. अगर तो हमारे पास IID सैंपल यानी इंडिपेंडेंटली और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड सैंपल हो तो उस केस में तो ये बहुत आसान होता है कि जो जॉइंट डेंसिटी है उसको इस कॉन्सेप्ट के साथ कि आप इसको लिख सकते हैं F ऑफ Y1 F ऑफ Y2 इंटू F ऑफ Yn, यानी आप ज्वाइंट डेंसिटी को लिख सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डेंसिटी अगर आपकी ये ऑब्जर्वेशंस IID हैं, इंडिपेंडेंट भी हैं और आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड भी हैं. इस केस में लाइकलीहुड फंक्शन फिर कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा. लेकिन हम जानते हैं कि टाइम सीरीज डेटा के लिए हम ये अस्यूम नहीं कर सकते, क्योंकि टाइम सीरीज डेटा में ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो डिपेंडेंट होती हैं. इसलिए लाइकलीहुड फंक्शन बनाते हुए हम उसको एज अ प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डेंसिटीज नहीं लिख सकते. उसके लिए फिर हमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज की हेल्प लेनी होगी.
तो हमारा जो आईआईडी सैंपल है और टाइम सीरीज सैंपल है, इसमें ये एक मेजर डिफरेंस रहेगा कि आप टाइम सीरीज डेटा के लिए जब आप किसी मॉडल के लिए एमएल एस्टीमेशन करेंगे तो लाइक्लीहुड फंक्शन को हम जो कि आमतौर पे हम क्रॉस सेक्शनल डेटा जिसमें आईआईडी डेटा होता है उसके लिए हम उसको लिख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल डेंसिटीज, लेकिन यहाँ पर हमें फिर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का सहारा लेना पड़ता है।